नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दम किए हुए राखड़ के दलदल में गौ माता की गई जान, लीपापोती कर अधिकारी करा रहे हैं जांच पर जांच। चांपा के निकट ग्राम पंचायत सिवनी के अनेकों स्थानों पर ग्राम प्रमुखों की हठधर्मिता के चलते ग्राम सिवनी राखड़ डंपिंग यार्ड बन चुका है, जो बारिश होने के कारणों से अब दलदल का रूप अख्तियार कर चुका है। इस दलदल में 15-20 रोज पूर्व निरीह बेजुबान गाय बुरी तरह से फंस गया था, जिसकी जानकारी ग्रामवासियों को लगने पर लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उक्त जानवर को बाहर निकाला गया, जिसका शिकायत चांपा राजस्व अधिकारी SDM से किए जाने पर खानापूर्ति कार्रवाई करते हुए बैरिकेटिंग कर मामला को वहीं छोड़ दिया गया। तदुपरांत उनके द्वारा आगे कार्रवाई के नाम पर केवल जांच कराने का आश्वासन देकर मामला को चलता कर दिया गया है और उसी राखड़ में पुनः 15 अगस्त के रोज 3-4 गायों के फंस जाने पर इनमें से एक निर्दोष गौ माता का अकाल मौत हो गया, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों को होने पर अन्य फंसे हुए गायों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जिसकी जानकारी चांपा तहसील के राजस्व अधिकारी SDM को देने के बाद भी वे पुनः जांच पर जांच करने का आश्वासन देकर मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। यह अपने आप एक गंभीर मामला है, जहां एक और अवैध रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में राखड़ को डंप करने का मामला सामने आया है। इसके बाद भी संबंधित लोगों पर उचित कार्रवाई करने के बजाय जिम्मेदार अधिकारी जांच का हवाला देकर मामला को चलता करने का प्रयास किया जा रहा है। खुदा ना करे कहीं इस दलदल में कोई मासूम बच्चा फंस गया तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस मैटर में आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तहसीलदार मैडम गई थी 1 महीना पहले और आज भी गई थी, तो हमें कोई कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। जबकि हमारी सरकार की योजना है कि नरवा गरवा घुरवा बारी, लेकिन हमारी गौ माता हमारे गांव में ही हमारे घर के सामने ही फंस के मर रही हैं राखड़ में, और कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इतने गौ भक्त हैं, गौ सेवक हैं, लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रहा है। और मैं यहाँ जाँच अगर नहीं किया गया तो अपने सामान्य सभा के बैठक में इस मुद्दा को ज़रूर उठाऊँगी और मैं चाहूँगी कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ, हमारे गांव के सरपंच के खिलाफ कार्रवाई हो। जी, क्या नाम है बताएं? उमा राजेंद्र राठौर, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 13। जो हमको कंप्लेन मिली है उसमें सरपंच के द्वारा खाली जगह में गांव में शासकीय जमीन पे राखड़ डंप कराया गया है बिना किसी पूर्वानुमति के, बिना किसी अधिकारियों की अनुमति के। हमने उसमें तहसीलदार से जाँच कराई है, शिकायत सही पाई गई है और इसलिए हमने सरपंच को कारण बताओ नोटिस आरोप पत्र के साथ में जारी किया है और उसको जवाब के लिए 2 दिन का समय दिए हैं और जैसे ही होता है हम कार्यवाही करेंगे आगे। मैडम, इसके पूर्व पहले भी जांच हो चुका था, जांच प्रतिदिन आए थे, इसमें कोई पहल नहीं किया गया था? उसमें भी कारण बताओ नोटिस जारी किए थे, उसमें भी अभी तक के सरपंच का जवाब नहीं आया है। उसको समय दिया गया है, अगर वो समय रहते जवाब नहीं प्रस्तुत करता है तो एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।